अरे किसने फेंका? लाना था चिट्ठी। अरे ये कैसा पेड़ है? अभी ये कौन इतनी सुबह सुबह फोन कर रहा है? हेलो लखा। सेठ जी कैसे हैं? ये मैं क्या सुन रहा हूँ, 1000 साल पुराना यू का पेड़ तुम्हारे इलाके में उग रहा है, उसे मेरे लिए लेकर आओ। क्या कह रहे हैं? यू का पेड़ वो बहुत कीमती है और वो भी बहुत पुराना और मुझे उसकी जरूरत है और उसे जल्दी से लेकर आओ। ये तो बहुत पुराना है, क्या उसकी कोई कीमत है? दरअसल बिल्कुल है, वरना मैं तुम्हें क्यों भेजता? वो फोटो तुम्हें मिल गया ना? याद रखो मुझे पूरा पेड़ चाहिए, उसका एक पत्ता भी नहीं टूटना चाहिए, पूरा का पूरा पेड़ चाहिए मुझे। क्या आप सीरियस है सेठ जी? और अगर तुमने ये काम अच्छे से किया तो तुम्हारा जल्दी ही प्रमोशन। अरे लेकिन सेठ जी, अरे रुकिए, बिना नुकसान पहुंचाए ये तो नामुमकिन है, मैं उसे काट नहीं सकता। एक सेकेंड, मैं वो पुरानी क्रेन का इस्तेमाल तो कर सकता हूँ ना? ये मैं उसे बिना काटे ही हासिल कर लूंगा। ये कैसा अजीब सा पेड़ है भाई, जिसमें एक हुक लगा है? एक ट्रक जिस पर हुक है वो पेड़ों को उठाने के लिए ही होगा। ये यही कहीं होना चाहिए। अरे वाह, ये रहा। वैसे ये कोई स्पेशल पेड़ तो दिखता नहीं, लेकिन जब तक इसकी मांग है पेड़ को ना काटे। हाँ नहीं काटेंगे, काटना मना, उखाड़ना थोड़ी। और फिर से, और अगर ये पेड़ मैं खुद ही बेच दूं तो सारा पैसा मैं रख सकता हूँ और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। मैं बस ये बोल दूंगा कि मुझे पेड़ मिला ही नहीं। यही ठीक होगा, मैं वही करूंगा। अब मैं अमीर हो जाऊं क्या? बस मैं जरा रास्ता साफ कर लूं। आओ बेटा पापा के पास आओ, आजा मेरे बच्चे निकल जा। अरे मिल गया। उसने एक झटके में पेड़ उखाड़ लिया। ये पेड़ मैंने कभी भी यहाँ पर नहीं देखा भाई, क्या तुम इस पेड़ के बारे में जानते थे जिसपे इतने फल लगे हैं? सब लोग, तुम सच में अपने पेट से ही सोचते हो, जान दो। मैं बस सोच रहा था भाई, क्या तुमने इसे पहले कभी देखा? खैर, पेड़ों के बारे में तो तुम सही कह रहे हो, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा, ये पक्का नायाब होगा। सच में? तब हम इसे लखा को नहीं ले जाने दे सकते। सही कह रहे हो, चलो से रोकते हैं, चलो चलो। मेरा काम तो हो गया। अरे भालू फिर से आ गए। लखा गाड़ी रोको। अरे जाओ, ये मेरा ट्रक है, चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। गाड़ी रोको अभी। क्या बे, मुझे इस कीड़े को हटाना पड़ेगा। बाद में मिलते हैं। ओए लक्के के बच्चे, सब लो, क्या तुम ठीक हो? देखो मैं कुछ बोल आया हूँ। अब मैं अमीर बन जाऊंगा। लखा, जैसा मैंने बोला था, तुम यू का पेड़ ला रहे हो, बता नहीं सकता कि ये हमारे लिए कितना जरूरी था। इस पेड़ को बेचकर हम फिर से अमीर हो जाएंगे। सेठ जी,
आप कुछ कह रहे हैं? hey, लखा और आपकी आवाज क्या हो रहा है? अरे मुझे घर प्रॉब्लम है। हेलो आवाज हट जी क्या हो क्या? हेलो अरे अरे बस हो गया इस सेठ की नहीं सुनना। और आज से लखा सिर्फ अपनी मर्जी का मालिक है। एक सेकंड, क्या यह सच में उतना महंगा है? अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो। अरे सही नहीं है, फिर से करता हूँ। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो। अरे इंजन खराब हो गया। जितनी जल्दी ये ठीक होगा उतनी जल्दी मैं पेड़ बेच दूंगा। ये तो रुक गया। शांत हो जाओ, वो ठीक है, चलो मेरा पीछा करो। ठीक है। अरे ये क्या हो रहा है? अरे मुझसे सांस नहीं ली जा रही। लाना था। अरे भड़का गया। अरे तो चला गया। तुम फिर से मेरे रास्ते में कितनी बार आओगे? क्या मुझे अकेला नहीं छोड़ सकता? मुझे लगता है उसने हमें देख लिया। क्या बर्फ पड़ रहा है? भालू तुमने बहुत गलत पकड़ ले लिया। तुम मुझके बच के नहीं जा सकते। तुम कब तक भागोगे मुझसे? चलो इन पेड़ों को वापस धरती में डाल दे। ठीक है। अगर वो बालू रास्ते नहीं आते अब तक तो मैं अमीर हो गया होता। मेरा युगल कहाँ है? तुम्हें अब तक उसे पहुंचा देना चाहिए था। अरे हाँ सेठ जी, मैं उसे नहीं बता सकता। दरअसल मैंने पूरा जंगल देखा लेकिन मुझे वो पेड़ नहीं मिला। मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। इसका मतलब तुम ठीक से नहीं ढूंढ रहे हो। मैंने तुम्हें उसका फोटो भी भेजा था ना। मुझे परवाह नहीं अगर पूरी रात लगे उसे ढूंढ कर लाओ मेरे लिए। अरे सेठ जी, लेकिन मैं तो एक लकड़ी काटने वाला हूँ जो सिर्फ लकड़ी काटता है। बहुत अच्छा आइडिया है। दरअसल मैं पूरे काम के लिए किसी और को ही रख लूंगा क्योंकि तुम्हारी नौकरी गई। मजाक कर रहा होगा सेठ जी। अरे सेठ जी, फिर से नौकरी गई। ये सब उन भालुओं की वजह से हुआ है।